सैंक्टिफिकेशन ऑफ इंडिया उनके लिए हमारे दिलों का एक पल रही है, क्योंकि ज्यादा तो हम उनके लिए बोल नहीं सकते, लेकिन दो लाइनों में उनके बारे में जो उन्होंने आपके लिए लिया वो बता रहा हूँ। वो मसीहा था हम जैसे बेसहारों का, वो मसीहा था हम जैसे बेसहारों का, जुल्म के हुक्मरानों के वक्त के हुक्मरानों के जुल्मों से वक्त के हुक्मरानों के जुल्मों से तो इंसान यहाँ पर लगा उनके अपने हाथों से उनके लिए लिख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने हाथों से संविधान। अब हमें हक है जिंदा कहलवाने का, अब हमें हक है जिंदा कहलाने का, अपने जीवन पे अपना हक जताने का। अब हमें हक है जिंदा कहलाने का, अपने जीवन पे अपना हक जताने का। हम भी उनके मिशन पे कर देंगे ये जीवन कुर्बान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हम जैसे बेसहारों के लिए लिख दिया अपने हाथों से संविधान, अपने हाथों से संविधान। नारी को हक नहीं था नारी कहलाने का, नारी को भी हक नहीं था नारी कहलाने का। वॉइस का पॉइंट है ना, कॉलेज खराब पड़ेगा ऑफिस में जाने का। पूरा नारी को हक नहीं था नारी कहलाने का, किसी भी स्कूल कॉलेज तो मेरे ऑफिस में जाने का। उसको भी करवा दिया, उसको भी करवा दिया अपने बल का ज्ञान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिख दिया अपने हाथों से हम जैसे बेसहारों के लिए संविधान, हम जैसे बेसहारों के लिए संविधान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर